मारुति सुजुकी इंडिया ने एसक्रॉस एसयूवी का मोस्ट पॉपुलर BS6 कंप्लायंट पेट्रोल इंजन वर्जन लॉन्च कर दिया है। मारुति ने इस कार को पहली बार 2020 ऑटो एक्सपो में आधिकारिक तौर पर पेश किया था। वहीं कंपनी के मुताबिक इस कार को मार्च 2020 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन COVID-19 के चलते इसमें डीले हो गया। आपको बता दें कि मारुति सुजुकी ने इसको 4 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, जिसमें सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं इस कार के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो स्टडी, वे टू चेंज द लर्निंग ऑफ ऑटोमोबाइल। सबसे पहले बात करें इसके इंजन की, तो इस कार में कंपनी ने 1.5 लीटर BS6 पेट्रोल इंजन के साथ स्मार्ट हाइब्रिड भी दिया है, जो पहले ही मारुति की दूसरी कारों जैसे कि CS, XL6, अर्टिगा और विटारा ब्रेजा में भी दी जाती है। ये इंजन 105 HP का पावर और 138 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है, और इसके साथ ही इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिलेगा। आपको बता दें कि इसका 1.3 लीटर BS4 डीजल इंजन 90 HP का पावर और 200 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता था। अब बात करें इसकी फीचर्स की, तो मारुति ने डीजल एसक्रॉस में मिलने वाले ट्रिम्स को जारी रखने का फैसला किया है। डीजल मॉडल की तरह ही एसक्रॉस पेट्रोल में क्रूज कंट्रोल, ऑटो ORVM, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, LED DRL, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED टेल लाइट और ऑटोमेटिक AC जैसे फीचर्स दिए हैं। और एक खास चीज जो इस स्मार्ट हाइब्रिड में मिलेगा, वह है इसका ज्यादा माइलेज। आपको बता दें कि मारुति की स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में ब्रेक एनर्जी रिजेनरेशन, टॉर्क असिस्ट फंक्शन और इंजन आइडल स्टॉप या स्टार्ट फीचर शामिल है। ये ड्राइविंग के ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। टॉर्क असिस्ट एक्स्ट्रा पावर देकर एक्सेलरेशन को बढ़ाता है, जबकि इंजन आइडल स्टार्ट या स्टॉप फीचर ऑयल सेव करता है। ब्रेक एनर्जी रिजेनरेशन काइनेटिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है, जो कि बैटरी को रिचार्ज करने के लिए यूज होता है। और अंत में बात करें इसकी लॉन्चिंग और प्राइस की, तो जैसा कि शुरुआत में हमने बताया कि ये कार लॉन्च हो चुकी है, वहीं बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसके मैनुअल गियरबॉक्स वेरिएंट की कीमत 8,39,000 रुपए से लेकर 11,15,000 रुपए तक होगी। वहीं इसके ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वेरिएंट की कीमत 10,80,000 रुपए से लेकर 12,40,000 रुपए तक होगी। आपको बता दें कि ये कार भारतीय बाजार में हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, निसान किक्स और रेनॉल्ट डस्टर जैसी SUVs को टक्कर देगी। तो दोस्तों, इस कार को लेकर आपका कोई भी सुझाव या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड फॉर मेकिंग मोर सच लर्निंग वीडियोज़।